2024 में किस ग्रहण का लगेगा सूतक काल, नए साल में कितने ग्रहण, आइए जानते हैं। नए साल 2024 में दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण लगेंगे। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है तो इस स्थिति में सूरज की रोशनी धरती पर नहीं पहुंच पाती, इस घटना को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। वहीं जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में आ जाते हैं तो इस दौरान सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पड़ता है लेकिन चंद्रमा पर नहीं पड़ता, इस घटना को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। हिंदू धर्म में इस भूगोलीय घटना का बड़ा महत्व है। ग्रहण के दौरान शुभ कार्यों की मनाही होती है। 2024 में किस ग्रहण का लगेगा सूतक काल, नए साल में चार ग्रहण कब कब, यहाँ जाने। 2024 में कुल चार ग्रहण कहे गए हैं, दो सूर्य ग्रहण है तो दो चंद्र ग्रहण है। यहाँ पर भारतवर्ष में कोई भी सूर्य या चंद्र ग्रहण कोई दिखाई नहीं देगा 2024 में, परंतु एशिया अटलांटिक आदि में दिखाई देगा तथा यहाँ पर पहला सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को पड़ेगा, दूसरा सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को रहेगा तथा चंद्र ग्रहण उसके पश्चात मार्च में 2024 में 25 मार्च को चंद्र ग्रहण कहा गया है, फिर एक चंद्र ग्रहण 18 सितंबर को कहा गया है, परंतु ये ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं रहेंगे। दृश्यमान नहीं रहेंगे तो इनका सूतक काल तथा इनको सूतक ग्रहण को भारतवर्ष में नहीं माना जाएगा परंतु विदेशों में ये ग्रहण माना जाएगा। ग्रहण काल में देवताओं का पूजन आदि बात भी होता है परंतु भारत में न दिखाई पड़ने के कारण इनका प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा तथा भारत में निर्विघ्न भगवान का पूजन आदि कार्य चलता रहेगा, इसलिए यहाँ पर सूतक काल आदि नहीं माना जाएगा। यहाँ दी गई जानकारी ज्योतिष के अनुसार है, न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है। लोकल 18 उज्जैन से शुभम मरमट की रिपोर्ट।